दोस्तों, मैंने सोचा कि कॉल रिकॉर्डिंग वाला मामला खत्म हो चुका है, अब वहाँ पे स्टॉप लग जाना चाहिए था, लेकिन राजन भाई ने एक वीडियो बना के इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। तो चलिए हम लोग टू द पॉइंट ही बात करेंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को बता दे कि विवेक सिंह विशाल सिंह के इतना पढ़े लिखे नहीं है कि खेसारी मैनेजर का स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिखे। विशाल सिंह बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको खेसारी और मैनेजर दोनों का स्पेलिंग आता होगा, लेकिन शायद उन्होंने क्या क्या बोले, हम स्पेलिंग पढ़ लीजिए और आप लोग समझ लीजिए कि कितना पढ़े लिखे हैं। खैर, सेकेंड पॉइंट, बात आएगी माँ की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चाह नहीं रहा हूँ कि इस टाइप का वीडियो मैं बनाऊँ, लेकिन फिर भी जब बात आगे बढ़ चुकी है तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। खैर चलिए, सेकेंड पॉइंट ये है कि पवन सिंह के लिए विशाल सिंह अपनी भी माँ। सुनिए आप लोग, बात करना यार। कौन से भाई का मैटर है तेरे? मेरे भाई का मैटर नहीं है क्या? तो फिर तो आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी बाहुबली नहीं बने, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी स्टार के लिए अपनी माँ को गाली खुद से ना दे। मैं समझता हूँ कि इस टाइप का संस्कार किसी में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये दो पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग राजन सिंह के, राजन सिंह मुकुट के, राजन भाई के वीडियो के रिप्लाई में। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, देखिए राजन भाई, एडिटिंग की जहाँ तक बात है, कल आपने जो 14 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग डाला था, आप अपनी माँ की कसम खा के बोल दीजिए कि वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरा था, वो एडिटेड नहीं था। आप माँ की कसम खा के बोल दीजिए, जो कहिएगा सो होगा उसके बाद से। रहा बात 3.5 मिनट के कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग एकदम 110% जेन्युइन है। जिसने भी बात किया है उसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या इन सारी टॉपिक्स पे चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी। उसमें 2-3 सेकेंड के कॉल रिकॉर्डिंग पे मुझे भी डाउट है, हो सकता है कि वो एडिटेड हो, एडेड हो, मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में। खैर, लेकिन वो 3.5 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग एकदम 110% जेन्युइन है। सारे टॉपिक्स का चर्चा हुआ है उस कॉल पे, और आप कंफर्म कर सकते हैं विशाल सिंह से या फिर उनके दोस्त से। बाकी ऑडियंस समझदार है, आप भी समझदार हैं, तो ऑडियंस को गलत डायरेक्शन में ना ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।